प्यारे बच्चों, आदिकाल में जब जनता अरक्षा का अनुभव कर रही थी तो अपनी सुरक्षा के लिए ईश्वर की ओर उन्मुक्त हुई। जब ईश्वर की ओर उन्मुक्त हुई तब भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। जब भक्ति काल में भक्ति की दो धाराएं हुई, एक निर्गुण दूसरी सगुण। निर्गुण की दो धाराएं, एक ज्ञान मार्गी और दूसरी प्रेम मार्गी। सगुण की दो धाराएं कृष्ण मार्गी और राम मार्गी। ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि है कबीरदास जी, प्रेम मार्गी के प्रमुख कवि है मलिक मोहम्मद जैसी, कृष्ण मार्गी के प्रमुख कवि है सूरदास और राम मार्गी के प्रमुख कवि है रामानंद। आज हम कबीरदास के बारे में कबीर की साखिया पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कबीरदास जी का जीवन परिचय पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अब कबीरदास के जन्म के संबंध में कई विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन इनमें से कोई सही मत प्रकट हुआ नहीं है। सभी आलोचकों का अपना अलग अलग मत है। कबीरदास का जन्म 1399 ईस्वी में काशी में हुआ और कबीरदास की मृत्यु 1495 ईस्वी में मगहर में हुई। कबीरदास के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। विद्वानों में कबीर के माता पिता के विषय में एक राय निश्चित नहीं है कि कबीर निमा और नीरू की वास्तविक संतान थे या निमा और नीरू ने केवल इनका पालन पोषण ही किया था। कहा जाता है कि नीरू जुलाहे को यह बच्चा काशी के लहरतारा ताल पर पड़ा मिला, जिसे वह अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। कबीर के जन्म के संबंध में कुछ लोगों की यह मान्यता है कि वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मण के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक आई, जबकि कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। कबीरदास के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में अनेक मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में ही मानते हैं और स्वयं कबीर का यह कथन भी काशी में ही पैदा होने का संदेश देता है। काशी में प्रगट भये रामानंद चिताए। इस तरह कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ। कबीरदास जी की भाषा के संबंध में, भाषा शैली में सामान्य जन को प्रभावित किया है। उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी के रूप में जाना जाता है, जिसे साहित्य का सदुकड़ी नाम से पुकारते हैं। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज आदि भाषाओं के शब्द बहुलता प्रकट होती है। कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं कबीरदास जी के शिष्यों ने उनकी वाणियों अर्थात भाषाओं का संग्रह बीजक नाम के एक ग्रंथ में किया है, जिन्हें मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, जिसे साखी, सबद, रैमेनी के रूप में जाना जाता है। ये हुआ हमारा कबीरदास के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में। अब हम कबीरदास की साखियों के संबंध में देखेंगे। इससे पहले हम कबीरदास के चित्र को देखेंगे।